नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर आपको दिखाएंगे। और चलिए करते हैं शुरुआत। केंद्र सरकार ने बीएसएफ को पंजाब समेत 3 राज्यों में ज्यादा इलाके में एक्शन का अधिकार दिया है। इस पर पंजाब में जबरदस्त विरोध हो रहा है। सीएम चन्नी ने इसे सियासी ढांचे पर चोट बताया है। आप और अकाली दल ने भी फैसला वापस लेने की मांग की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी हमारे मुल्क की अंतर्राष्ट्रीय सरहदों की हिफाजत में जुटे देश के एक अहम पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ को मिली है नई ताकत। बीएसएफ को कुछ सरहदी सूबों में अब एक्शन का ज्यादा अधिकार मिल गया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के जरिए ये फैसला 11 अक्टूबर से लागू हो गया है। जिन राज्यों में बीएसएफ को ज्यादा सीमा तक अधिकार मिले हैं उनमें पंजाब भी है। इस अधिसूचना के जरिए अब बीएसएफ को सीमा से सटे कुछ राज्यों के ज्यादा इलाके में तलाशी लेने, जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार मिला है। हम आपको राज्यवार बताते हैं कि कहां बीएसएफ को ज्यादा इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। इसमें सबसे अहम है पंजाब। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक बीएसएफ को कार्रवाई का हक था, लेकिन अब 50 किलोमीटर तक उसे यह हक होगा। पश्चिम बंगाल में भी बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक एक्शन का हक होगा। असम में भी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक होगा। गुजरात में इंटरनेशनल बॉर्डर से 80 किलोमीटर में बीएसएफ को यह हक था, लेकिन इसे घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। राजस्थान में पहले की तरह 50 किलोमीटर तक बीएसएफ एक्शन ले सकेगा। फैसला कई राज्यों को लेकर हुआ। मकसद बताया गया ट्रांस बॉर्डर क्राइम को रोकना, लेकिन बवाल पंजाब में हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आधे पंजाब के भूभाग पर बीएसएफ को जब्ती, गिरफ्तारी और तलाशी का हक मिल गया है। इसको लेकर पंजाब में सियासी घमासान छिड़ गया है। मोर्चा खोला है खुद सीएम चन्नी ने। उन्होंने ट्वीट किया, बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार देने के भारत सरकार के फैसले की मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। ये संघीय ढांचे पर सीधा हमला है और गृह मंत्री से अपील करता हूं कि तुरंत फैसला वापस लिया जाए। पंजाब के होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी केंद्र के फैसले को लेकर सवाल खड़े किए। उनके सुर में सुर मिलाए आम आदमी पार्टी ने। डायरेक्ट फेडरल स्ट्रक्चर के विच उन्होंने दखलंदाजी की थी, जी कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये चीज़ा जीडिया ने सीधी जी स्टेट गवर्नमेंट के जी काम ने उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्टेट पुलिस या होर पुलिस जी साड़िया फोर्सिज ने उन्होंने केड़ा काम रहेगा। ये राज्यों के जेडे अधिकारा डाका है असी पुरजोर विरोध करते हैं और मंग करते हैं कि केंद्र सरकार इस तुगलकी फैसले को वापस लवे ताकि पंजाब के लोगों के कुछ अपनत्ता कुछ प्यार का सुनेहा जाए और अपन देश को अगे लेके चलिए। जिस तरह से फैसले को लेकर पंजाब में सियासी भूचाल आया है उसको देखते हुए आने वाले सूबे के विधानसभा चुनाव में अब ये अहम मुद्दा बनेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ कमलजीत संधू। आज तक